बचपन में कागज का प्लेन उड़ाने वाली अवनी चतुर्वेदी कर्तव्य पथ पर लड़ाकू विमान के साथ दिखाई दी। आपको बता दें कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में रीबा की बेटी की झांकी निकाली गई। आपको ज्ञात होगा कि जल संसाधन विभाग में इंजीनियर रहे डीपी चतुर्वेदी की पुत्री अवनी को देश की पहली महिला फाइटर प्लेन का पायलट बनाने का गौरव मिला था। अवनी की पढ़ाई शहडोल के देवलौंद और राजस्थान के वन स्थली विद्यापीठ से हुई थी। बाद में वह बेंगलुरु से तकनीकी और प्रबंधन की पढ़ाई की कुछ समय बाद कंपनी में काम भी किया था। पिता बताते हैं कि अवनी को बचपन से ही प्लेन उड़ाने का शौक रहा है। वह स्कूल में पढ़ती थी तब से चित्रकार और कागज के खिलौना बनाया करती थी। घर में कागज का प्लेन बनाकर उड़ाती थी और फिर क्या, उसका सपना साकार हुआ और वह वायुसेना में फाइटर प्लेन की पायलट बन गई। अवनी को जून 2016 में भारतीय बल सेवा के लड़ाकू स्क्वाड में शामिल किया गया था। यह पहला मौका था जब वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ाने के लिए 3 लड़कियों का चयन किया गया था। इसमें अवनी के साथ ही मोहन सिंह और भावना कंठ भी शामिल थी और इसकी घोषणा इस वर्ष 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर की गई थी। इसके अलावा आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली में आत्मनिर्भर नारी की थीम पर झांकी निकाली गई, जिसमें अवनी को फाइटर प्लेन माइग्रेशन को प्रतीक स्वरूप प्रस्तुत किया गया और साथ ही मध्य प्रदेश की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली झांकी में प्रदेश की समृद्ध संस्कृति और महिला सशक्तिकरण का प्रदर्शन आधुनिक सेवा क्षेत्र से लेकर लघु उद्योग और पारंपरिक क्षेत्र में समान रूप से सक्रिय प्रदेश की महिलाओं की उन्नति को इस झांकी में दर्शाया गया।